तान्या झा। जी हाँ, आजकल ये नाम आपको बहुत सुनने को मिल रहा होगा। कभी पवन सिंह के साथ, तो कभी खेसारी लाल यादव के साथ, तो कभी भोजपुरी के उन यूट्यूबरों के साथ जिनके वीडियोस पे आप रिएक्शन भोजपुरी गानों का और भोजपुरी वीडियोस का देखते होंगे। लेकिन तान्या झा पर जितने लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, उनके लिए भले ही तान्या झा एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुकी हैं जो कि अश्लील गाती हैं, लेकिन तान्या के कई ऐसे गाने हैं जो काफ़ी बेहतरीन भी हैं। तान्या पवन सिंह को लेकर ये कहती हैं कि उन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों ने तान्या झा को इस वक्त एक विलेन के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। उससे पहले वो खेसारी के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहती हैं कि खेसारी लाल यादव के गाने सुनना पसंद करती हूँ, लेकिन पवन सिंह की उससे भी बड़ी फ़ैन हूँ। भले ही तान्या झा अश्लील गाना गाती हों, लेकिन पवन सिंह के बारे में उन्होंने कभी भी कुछ भी गलत अपने वीडियोस में नहीं कहा, ना ही खेसारी के बारे में और ना ही भोजपुरी के उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने अश्लील गाया। क्योंकि तान्या ये कहती हैं कि मुझे अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिला है, ना ही पिता का और ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य का। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। जिस दिन पिता का साथ मिलेगा, उस दिन मैं अच्छों को जवाब दे दूँगी। यहाँ पर उन यूट्यूबरों की बात कर रही हैं तान्या झा, जिनसे आजकल उनका विवाद चल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, तान्या पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो पवन सिंह के खिलाफ है, पवन सिंह के विरोध में है, तो हाँ, पवन सिंह के लिए उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि एक समय था जब अश्लील गाना पवन सिंह और खेसारी भी गाते थे। तो आपको बता दें कि तान्या इकलौती ऐसी कलाकार नहीं है जिन्होंने पवन सिंह और खेसारी पे इस तरह के आरोप लगाए। आप भोजपुरी इतिहास उठाकर देख लीजिए, भोजपुरी का तकरीबन हर कलाकार आपको इसी तरह का दिखेगा, जो पहले पवन और खेसारी के ऊपर छींटे उड़ाता है और फिर उनसे अपना नाम जोड़कर नाम कर लेता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।